हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों दोस्तों देसी मुर्गी पालन और सोनाली मुर्गी पालन कैसे करते हैं? देसी व सोनाली मुर्गी पालन और फार्मिंग कैसे करते हैं, इस वीडियो में आप लोगों को फुल जानकारी दिया जाएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए दोस्तों। दोस्तों ये सब बर्ड जो देख रहे हैं आप, मुर्गी मुर्गियाँ, ये सब 6 महीने का हो गया है। 4 फरवरी 2023 का बच्चा है दोस्तों, आप लोग जोड़ लीजिए। कोई 6 महीना में 5-7 दिन कम है। अभी तो अंडा निकलना चालू हो गया है दोस्तों, कभी काल एक आध अंडा निकल जाता है। देखिए मेरा फार्म है, बहुत कम पैसे में दोस्तों फार्म बनाए हैं। आप लोग बहुत कम पैसे में फार्म बना सकते हैं। फार्म कैसे बनाएं, आप लोगों को इस टाइप का वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। देखिए फिर घूमने का जाली कैसे मारे हैं, आप लोग भी ऐसा बना सकते हैं दोस्तों। दोस्तों मॉर्निंग के टाइम में 1-2 घंटा घुमा देते हैं। दोस्तों देखिए देसी मुर्गी सोनाली मुर्गी का पहचान आप लोग कर लीजिए। इसी में एक ब्रीड और आता है डबल एफ जी, वो इसी तरह होता है लेकिन थोड़ा फर्क पड़ जाता है। उसका जो पैर है टांग मोटा होता है, कलर में थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है दोस्तों। आप लोग पहचान कर लीजिए देसी मुर्गी का, ताकि आप लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी ना कर सके। दोस्तों जब फार्म में 1 दिन का चिक्स आता है तो पहले इसको गुड़ पानी दिया जाता है। गुड़ पानी देने के बाद दोस्तों प्रे या स्टार्टर का दाना दिया जाता है 1 महीने 40 दिन तक। अगर अंडे के लिए रखेंगे तो 1 महीने 40 तक स्टार्टर का दाना देने के बाद दोस्तों इसको मक्का चलाइए या देसी का कोई दाना चलाइए। चिकन के लिए रखते हैं तो बॉयलर का दाना चलाते रहिए दोस्तों। 3 महीने में 1 kg का हो जाएगा बॉयलर का दाना खाने से। देसी का दाना खाएगा तो दोस्तों 3.5-4 महीने भी लग सकता है। दोस्तों बात करें इन लोगों का वैक्सीन का, तो पहले दूसरे तीसरे चौथे दिन दोस्तों वैक्सीन पाउडर और बीमरा लेके में दिया जाता है। 6वें 7वें दिन पर दोस्तों रानीखेत लसोटा का वैक्सीन दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों 12वें 13वें दिन पर दोस्तों गम्भीरों का वैक्सीन दे दिया जाता है। दोस्तों फिर 21 दिन पे रानीखेत या लसोटा का कोई एक वैक्सीन दे दीजिए। उसके बाद कोई वैक्सीन लेने का जरूरत नहीं है दोस्तों, मुर्गे में कोई बीमारी तब नहीं आएगा दोस्तों। दोस्तों ऐसे भी देसी मुर्गे में जल्दी कोई बीमारी नहीं आता है, लेकिन वैक्सीन दे देने से थोड़ा डर नहीं रहता दोस्तों। क्या होता है वैक्सीन ना देने पर बीमारी आ भी सकता है। सबसे खतरनाक बीमारी होता है दोस्तों रानीखेत का। दोस्तों रानीखेत का बीमारी बहुत जल्द फार्म में आता है, लेकिन कब, जब वैक्सीन नहीं दिए रहेंगे तो उसके पहले नहीं आएगा। वैक्सीन दे देने के बाद दोस्तों कोई डर नहीं रहेगा। दोस्तों देसी मुर्गी के बच्चे लेने के लिए संपर्क कर सकते हैं, डिलीवरी ऑल ऑल इंडिया हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहेगा दोस्तों। दोस्तों इस चैनल पर फार्मिंग जुड़ी सारी जानकारी दिया जाता है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इस चैनल से, बिल्कुल फ्री में दोस्तों। सब्सक्राइब करने के लिए, जुड़ने के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा दोस्तों। आप लोग जुड़िए, किस टाइप का वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। किसी भी जानकारी के लिए, मुर्गी के बच्चे के लिए संपर्क कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, ऐसे ऐसे वीडियो लाते रहेंगे।